आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल चूरू सर्किट हाउस में अग्निपथ योजना के खिलाफ चूरू में रैली और सरदार शहर उपचुनाव को लेकर दिया बयान। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल गुरुवार शाम को चूरू के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने बेनीवाल का स्वागत किया। शादी समारोह में शामिल होने चूरू पहुंचे बेनीवाल ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगले महीने चूरू में अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें 3 से 5 लाख लोग भाग लेंगे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि चूरू में अग्निपथ योजना के विरोध में बड़ी रैली की जाएगी, जिसमें 3 से 5 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना से किसान के बेटों को बहुत बड़ा अहित हुआ है। शेखावाटी इलाके में सेना से सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, उनको निराशा हाथ लगी है। अग्निपथ योजना के विरोध के साथ साथ बढ़ती महंगाई और राज्य में अपराध, भ्रष्टाचार, माफिया, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज माफी के मुद्दे भी इसमें शामिल रहेंगे। एक दो दिन में रैली के स्थान और दिन की घोषणा करेंगे। सरदार शहर में प्रस्तावित विधानसभा उपचुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी, इसमें एक दल को तीसरे नंबर पर धकेल दिया जाएगा, जिसमें हमारे किसानों के बेटों का बहुत बड़ा हित हुआ और सेना को ठेके भी दिए। इसका विरोध मैंने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया दिल्ली की सरकार को। हम चाहते हैं कि इन चूरू और शेखावाटी के इलाके से सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर बच्चे जाते हैं, उनको निराशा हाथ लगी है। अग्निपथ योजना के विरोध के साथ साथ बढ़ती महंगाई और स्टेट के अंदर अपराध, भ्रष्टाचार और जो माफिया जिस तरह फन फैला रहे हैं, इसको लेके भी बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे हमारे, जो टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज माफी, ये भी मुद्दे इसके अंदर रहेंगे। और चूरू में हमारी रैली की संख्या होगी 3 से 5 लाख लोग चूरू के अंदर जुटेंगे। इस तरह हम तय करें, एक दो दिन में चार से उपचुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी, एक दल को तीसरे नंबर पर धकेल देंगे। हम प्रथम भी आ सकते हैं, लेकिन पूरा मुकाबला रहेगा।